हेलो गाइस, आपका स्वागत है हिमसिंगर टेक्निकल चैनल में। आज हम आपके लिए के आए हैं ANT ई सपोर्ट कंपनी का GP300 Pro V2। ये गेम पैड है, गेम कंट्रोलर है, वायरलेस है। और ये अब आप आज करने जा रहे हैं इसके साथ इसकी अनबॉक्सिंग आपके लिए। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो और भी ला सकें। तो ये है EN Sport का GP300 Pro V2 वायरलेस गेम पैड। इसमें आपको एक गेम पैड मिलेगा प्लस आपको एक डोंगल मिलेगा, जैसे हमें वायरलेस कीबोर्ड माउस के साथ मिलता है वैसे ही। यहाँ पर देखिए, ये तीनों के साथ कंपैटिबल है, PS3, एंड्रॉयड फ़ोन एंड PC। आप इस गेम जॉयस्टिक गेम पैड को कहीं भी अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन, अभी तक का सबसे बेहतरीन टूल है। इसमें आपको जॉयस्टिक, पैड, रिमोट, हैंडल, कार गेमिंग, GTA 5, हर तरह के गेम के साथ ये सपोर्टेबल है। ये इसके फीचर है, देखिए, प्लग एंड प्ले विद USB डोंगल, 4 एक्शन बटन ABXY के रूप में, अल्ट्रा प्रैक्टिस हाइट वे डी क्रॉस, चार्जिंग केबल लेंथ अप टू 1 मीटर, सपोर्ट OTG फंक्शन विद एंड्रॉयड फोन एंड टैबलेट, 12 नंबरिकल बटन इंक्लूडिंग होम सेलेक्ट एंड स्टार्ट। और इसका वेट भी काफ़ी कम है, 190 ग्राम के एवरेज में है ये। तो ये हमने अमेजोन से मंगाया है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू। दोबारा से इसके की फीचर बैकग्राउंड पे भी है, 4 LED इंडिकेशन है इसमें, ड्यूल वाइब्रेशन मोटर है कि अगर आपकी गेम कहीं एक्सीडेंट होती है आपकी गाड़ी, या आप कोई लड़ाई कर रहे हैं, आपके जो करेक्टर है उसको कोई पंच होता है, तो ये गेम पैड आपको वाइब्रेट करके अलर्ट करेगा, जिससे आपको रियल 3D एनिमेशन, 3D इफेक्ट के साथ आपको अनुभव होगा गेम खेलने का। प्लस इसमें ऑटोमेटिक डिवाइस रिकॉग्निशन है, 306 डिग्री एनालॉग स्टिक्स है इसमें, कंपैटिबल है ये PS3, PC, एंड्रॉयड, 6 mAh की पावरफुल बैटरी है जो लगभग आपको एक बार चार्ज करने के बाद 12 घंटे का बैकअप देगी। ABS प्लास्टिक का ये बना हुआ है ताकि थोड़ा अगर गिर भी जाए हल्का फुल्का तो खराब नहीं होगा। वायरलेस 2.4 GHz अप टू 8 मीटर, आप रूम में कहीं भी बैठ के इसकी गेम के एंजॉय कर सकते हैं कनेक्टिविटी का। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें इसके दोबारा से इसके फीचर्स और इसका प्राइस। तो इसका प्राइस है, MRP है 2999, यानी कि 3000 रुपये का ये MRP है, मगर ये हमें अमेजोन से मिला है मात्र 1500, 1500 रुपये की ये डिवाइस मिली है। तो जल्दी चलिए, हम अब आज करने जा रहे हैं इसका अनबॉक्सिंग। हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसको लाइव फंक्शन करके गेम खेल के भी इसे दिखाएंगे। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखिए, हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। तो ये है आपके सामने गेम कंट्रोलर, गेम पैड। तो इसके साथ हमें कुछ मैनुअल्स इसकी कंपनी के साथ मिले हैं, बिल्स मिला है और भी कुछ। तो ये है हमारा यूनिट जो इसके अंदर से निकला है, गेम पैड। और एक हमें मिली है इसके साथ चार्जिंग केबल, ये USB केबल इसके अंदर से निकली है। एक हमें इसका सपोर्टिंग डोंगल जिसके जरिए ये फ़ोन, PS3 या कंप्यूटर में कनेक्ट होगा। और एक इसके साथ OTG कन्वर्टर भी मिला है मोबाइल्स में प्लग करने के लिए। तो ये सारा सामान इसके साथ हमें मिला है। बैटरी इसके अंदर इनबिल्ट है, अलग से नहीं है। तो अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये है हमारे पास ANT eSport। तो ये हमारा गेम पैड है, ये इसकी जॉयस्टिक, 2 जॉयस्टिक है इसमें,
ये लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन एंड ये फोर की बटन एंड ये स्टार्ट एंड सेलेक्ट और ये एक ऑन ऑफ बटन। इसमें ये बीच में इंडिकेशन है, देखिए ये अभी स्कैनिंग कर रहा है अपने यूनिट को। और इसके बाद की फ्यूचर बटन भी है, राइट वन राइट टू एंड इस तरफ है लेफ्ट वन एंड लेफ्ट वन लेफ्ट टू। तो ये बेहतरीन सा गेम कंट्रोलर है आपके लिए। हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आपके लिए। वाइब्रेशन अवेलेबल है इसमें, ये देखिए अभी तक गेम यूनिट को स्कैन कर रहा है। इसके कोई ड्राइवर नहीं है, कोई कुछ नहीं डालना। ये यूनिट आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पर लगानी है। जैसे ही लगाओगे इसमें एक ग्रीन और रेड कलर की लाइट आएगी और ये डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा खेलने के लिए। अभी हम इसको आपको मोबाइल पे इस डोंगल को क्लिक करके दिखाते हैं, इसकी लाइट्स आएंगी, आपको दिखा भी दें कैसी लाइटिंग आती है, कैसे ये पेयर होता है। अभी हम आपको इसको मोबाइल पे लगा के दिखाते हैं। ये एंड्रॉयड फ़ोन में भी कंपैटिबल है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये बेहतरीन डिवाइस है और 1500 रुपये की कॉस्टिंग में ये कोई महंगा डिवाइस नहीं है। 1 ईयर वारंटी के साथ आता है ये, तो सबसे बेहतरीन डिवाइस। ये देखिए ये डोंगल्स हमने मोबाइल्स के अंदर कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से यहाँ पे इंडिकेशन आएगा, कैमरे में शायद आ नहीं रहा। एक रेड कलर का इंडिकेशन है इसमें और एक ग्रीन कलर का, और ये डिवाइस पेयरिंग के लिए आ रहा है। अब अगर आप इसको इसकी कीस डोंगल को इनेबल करके करेंगे तो आपको देखिए 2 की आ गई है सेंटर में, तो ये अब पेयरिंग हो चुका है। और यहाँ देखिए इंडिकेशन रुक गया है, रिमोट में भी 2 की बटन आ रहे हैं, तो ये काम करने के लिए तैयार है, आप गेम खेल सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको नेक्स्ट इसका इस पर गेम खेल के दिखाएंगे, मोबाइल्स में भी और कंप्यूटर पे भी। तो हमारे चैनल के पे आने के लिए आपका धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस लाते रहें बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू एंड बाय।